सो हेलो एवरीवन, तो कैसे आर आप सभी लोग। तो गाइस आज मैं आप लोगों को भाई जो एक मोस्ट कॉमन सा क्वेश्चन हर बार मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आप ये इतने सारे माइनक्राफ्ट के मोड्स लाते कहाँ से हो और इनको खेलते कैसे और इनको इंस्टॉल कैसे करते हो। तो भाई यही सब चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। और कोई क्वेश्चन रह जाए तो हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना भाई, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक क्लिक पे आप ज्वाइन कर लोगे। वहां पे आके पूछना भाई किसी से भी, हमारे मोड्स भी है, मैं भी रहता हूं ऑनलाइन। तो चलिए गाइस मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई किस तरीके से मोड्स जो डाउनलोड करने पड़ते हैं और खेलने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस आप लोगों के पास भाई माइनक्राफ्ट होना चाहिए, सिंपल सी बात है भाई, माइनक्राफ्ट होना चाहिए। और बहुत सारे मोड खेलने के लिए आपके पास जावा माइनक्राफ्ट होना चाहिए, यानी जावा वर्जन वाला। माइनक्राफ्ट के दो वर्जन होते हैं, एक बेडरॉक होता है और एक जावा होता है। और ये मैं कंप्यूटर के लिए कह रहा हूं, मोबाइल के लिए अलग आता है, पॉकेट एडिशन आता है मोबाइल के लिए। तो भाई आप लोगों को गूगल पे जाना है और यहां पे सर्च करना है कर्स फोर्ज। तो कर्स भी लिख दोगे तब भी वो आ जाएगा। तो पहले ही लिंक पे क्लिक करना है तो ये खुल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा हो, ये मेरा जो फेस कैम है इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। इस वेबसाइट पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, एक है एप्पल के लिए और एक है विंडो के लिए। तो फिलहाल तो आपको विंडो पे खेलना है, तो आपको ये विंडो वाले को डाउनलोड कर लेना है भाई। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है और डाउनलोड करने के बाद भाई इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, कर्स फोर्ज, ठीक है। पहले ट्विच पे था बट अब ये कर्स फोर्ज पे आ गया है। तो कर्स फोर्ज खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को भाई माइनक्राफ्ट का भी ऑप्शन दिखेगा। वैसे इसमें बहुत सारी गेम होती हैं तो इसमें माइनक्राफ्ट का भी ऑप्शन दिखेगा। फिलहाल मैंने माइनक्राफ्ट इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे कि देखो इसमें लिखा है नॉट इंस्टॉल्ड लिखे हुए ना इनमें ये सब चीज़ें। तो इसी तरीके से माइनक्राफ्ट पे भी नॉट इंस्टॉल्ड लिखा होगा, तो उसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको भाई ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा, जैसे कि अभी तो मैंने फिलहाल एक जो मेरी सीरीज चल रही है माइनक्राफ्ट की एक्सप्लोरी को, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए ये आपको दिखा रहा है, वरना यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा आपको, खाली दिखाएगा। तो आपको सिंपली इस ब्राउज में जाना है, ये ब्राउज मोड पैक में जाना है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड पैक दिखाई देंगे, दिख रहे हैं ना यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे मोड पैक। तो यही वो मोड पैक है भाई जो मैं खेलता हूँ, जैसे कि आप इनके पीछे देख रहे हो इंस्टॉल्ड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये अभी इंस्टॉल नहीं है। अगर इंस्टॉल होते तो भाई ओपन या प्ले लिखा हुआ आता। तो यहाँ पे आपको हर तरीके के मोड दिखेंगे, देखिए जैसे आरएल क्राफ्ट है भाई, ये बहुत फेमस है, वेल हेल्स या 3 है, ये भी मैं खेल चुका हूँ। और यहाँ पे इनके वर्जन भी दिखाए हुए कि ये कौन से वर्जन के हैं। तो इसमें इतने सारे मोड्स है गाइज, इतने सारे मोड्स है कि भाई आप पागल हो जाओगे खेल खेल के, मतलब अनलिमिटेड मोड्स है भाई। तो जौन से भी मोड्स आपको खेलना है तो उस पर आप इंस्टॉल पे क्लिक करना। तो जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा, और इंस्टॉल्ड होने के बाद ये आपका माय मोड पैक में आ जाएगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड होने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल्ड होने में, जैसे कि 10-15-20 मिनट लेगा, आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है और मोड पे डिपेंड करता है कि मोड कितना बड़ा है। तो उसके बाद ये इंस्टॉल्ड होने के बाद यहाँ पे प्ले का ऑप्शन आएगा लिखा हुआ, बट आपको यहाँ पे पहले प्ले नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को पता है कि एक जूम का ऑप्शन होता है, जैसे कि हम ऑप्टिफाइन बोलते हैं उसको, जिससे कि हम जूम कर सकते हैं। और उसके अलावा गाइज आप इसके अंदर कुछ शेडर पैक हमें इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं, और उसके अलावा गाइज आप इसमें शेडर पैक डाल भी सकते हो। वो कैसे, आपको इस पर क्लिक करना है और ये जो 3 डॉट बने हुए हैं यहाँ पे क्लिक करके आपको ओपन फोल्डर में जाना है। तो ओपन फोल्डर करने के बाद गाइज कुछ इस तरीके का फोल्डर खुलेगा भाई, जिसके अंदर आपका स्क्रीनशॉट है, जैसे कि आप F3 से या F2 से स्क्रीनशॉट लेते हो ना, तो वो यहाँ पे आएंगे। और उसके अलावा यहाँ पे आपका भाई मोड्स भी होंगे, देखो ये रहे मोड्स। तो यहाँ पे आपको ऑप्टिफाइन ला करके पेस्ट कर देना है, और ऑप्टिफाइन कहाँ से मिलेगा, गूगल पे आके आपको ऑप्टिफाइन डालना है। और ऑप्टिफाइन डालने के बाद पहले ही लिंक पे क्लिक करेंगे तो भाई ये ऑप्टिफाइन की वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सबसे लेटेस्ट जो ऑप्टिफाइन है वो है 1.16.5, तो ये है, इसको डाउनलोड कर लेंगे भाई। फिलहाल मैंने इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लिया है। तो डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करते हो, यानी डेस्कटॉप पे ये हमारा आ गया है, जैसे कि आप देख रहे हो ये आ गया हमारा ऑप्टिफाइन डेस्कटॉप पे। तो इसको सिंपली भाई कट करना है, और जो हमने फोल्डर यहाँ से ओपन किया था ना, मैं फिर से खोल के दिखाता हूँ आपको ओपन फोल्डर। तो यहाँ पे एक मोड का फोल्डर होगा, ये रहा, इस मोड के फोल्डर में भाई कॉपी पेस्ट कर देना है इसको, ठीक है। ये कर दिया हमने पेस्ट ऑप्टिफाइन। पेस्ट करने के बाद आप सब कुछ चीज काट देना और यहाँ पे सिंपली भाई इसको प्ले कर देंगे हम। तो यहाँ से जब आप इसको प्ले करोगे
तो भाई आपका माइनक्राफ्ट लॉन्चर ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, आप कर्स फोर्ज को काट सकते हो। तो यहाँ से आपको सिंपल इसको जब प्ले करोगे ना, देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है एक्सप्लोरी का 1.16.5। और हाँ गाइस, आप ऑप्टिफाइन सेम ही वर्जन का डाउनलोड करें, 1.16.5 है तो आप ऑप्टिफाइन भी 1.16.5 का करें, वरना वो जूम वाला फंक्शन जो है काम नहीं करेगा। फिर आप इसको प्ले करना, प्ले करने के बाद ये थोड़ा सा जो अगर आप फर्स्ट टाइम चला रहे हो तो ये डाउनलोड होगा नीचे, जहाँ पे प्रिपेयरिंग लिखा हुआ आ रहा है ना मेरा, यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ आएगा आपका, तो वो डाउनलोड होने के बाद ये प्ले हो जाएगा। और अगर आपका मोड पैक थोड़ा हैवी है तो ये थोड़ा टाइम लेता है भाई प्ले होने में। तो गाइस, मोड आपके लोड होने के बाद आपका गेम कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में जाना है, कंट्रोल्स में जाना है और यहाँ पे प्रेस करना है सी और की पे क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जूम का ऑप्शन मेरा सी पे सेलेक्ट किया हुआ है मैंने। अगर आपका लोगों का सी पे सेलेक्ट ना हो तो सी पे सेलेक्ट कर लेना, फिर वो जूम वाला ऑप्शन जो है ठीक से काम करने लग जाएगा। फिर आपको सिंगल प्लेयर पे आपका वर्ल्ड क्रिएट करना है और इसको भाई प्ले कर देना। तो इस तरीके से गाइज आप कोई भी मोड पैक खेल सकते हो। तो कैसा लगा भाई आप लोगों को ये वीडियो? तो अगर आप लोगों को गाइज समझ में आ गया कि मैं किस तरीके से मोड पैक डाउनलोड करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ और सीरीज बनाता हूँ, तो गाइज एक लाइक कर देना भाई, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और गाइज अभी मेरा एक और चैनल है 4x4 खेल, जैसे कि आप यहाँ पे पीछे देख रहे हो मेरे, तो इस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना भाई। यहाँ पे भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, मतलब 4x4 वाले पे मैं वीडियोस डालता हूँ और लाइव भी करता हूँ, और यहाँ पे मैं लाइव करता हूँ। तो भाई जल्दी से ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड एज ऑलवेज चाओ चाओ।